और बहुत दिनों के बाद आज एक कंप्लीट ब्लॉग के साथ आ गए। और सीन यही है कि भाई जहाँ भी कोई ऐसा काम हो रहा होता है, मेरी कोशिश होती है कि मैं वहाँ जाऊँ और आप तक वो पैगाम और वो चीज़ें पहुँचाऊँ। वो ये रहे कि स्पेशली एबल्ड पर्सन के लिए एक मैट्रिक सजाई गई है। बहुत सारे इंटरप्रेन्योर्स हैं जो स्पेशली एबल्ड हैं, किसी ना किसी डिजीज की वजह से, किसी हादसे की वजह से मजबूरी के शिकार हुए हैं, लेकिन उनकी ज़िंदगी रुकी नहीं है। उन्हें एम्पावर करने का सिलसिला जारी है और किस तरीके से जारी है, क्या स्टॉल्स लगे हैं, बहुत सारे खानों के हैं, चीज़ों के हैं, और इन्हीं चीज़ों को बेचने वाले जो हैं स्पेशल एबल्ड पर्सन है। एक चीज़ जो बड़ी यूनिक मुझे लगी वो ये किया कि उनकी सपोर्ट के लिए नॉर्मल लोग आए और उन्होंने भी साथ में स्टॉल लगाए और मिक्स हो गया है। बज़ाहिर आप देखेंगे तो आप पहचान नहीं पाएंगे कि ये कोई स्पेशल पर्सन है या नॉर्मल पर्सन है। यही पर ख़त्म कर सकते हैं हर वो इंडिविजुअल, जैसे मैं आप हम सब मिलकर काम करें इस पर को ख़त्म करें तो एक हेल्दी मुआशरा तश्कील पा सकेगा। तो खैर बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हैं, इस इवेंट में क्या कुछ हो रहा है, पीछे बहुत म्यूज़िक चल रहा है, आई डोंट नो आपको सही तरीके से आवाज़ आ रही है नहीं आ रही, लेकिन जो कुछ भी चल रहा है आगे चलते हैं, आपको दिखाते हैं, लोगों से मुलाकात करवाते हैं और कोशिश करते हैं कि हम कोई अच्छी चीज़ आज आपको दिखा सकें। कहानी है कि जैसे आगे बढ़ रहे हैं और खूबसूरत लोग मिलते जा रहे हैं और एम्पावरमेंट की बात हो रही है, ना वेमेन एम्पावरमेंट ना मैन एम्पावरमेंट, एम्पावरमेंट की बात हो रही है जहाँ जिस सेक्टर में जिस भी जेंडर को हम कर सकते हैं। और यही वजह है कि आज एक बहुत ही प्यारी सी सक्सेस स्टोरी है हमारे पास फैजान की। भाई इनके ये जो मामला है मुझे पता चला है भाई, ये बहुत बड़े बिजनेसमैन बन गए। क्या कहानी है, कैसे सफ़र शुरू हुआ आपका? मैंने अपना शौक लगाया, काम मैंने समझा ठीक है, मैंने अपने छोटे भी पुराने मोबाइल वगैरह थे, कवाड़े वगैरह से उठाता था ठीक है, उस पर शौक और डिप्लोमा वगैरह करता था। जब आगे तरक्की होती लगी, जब हाथ साफ होने लगा तो मैंने अपना शौक कारोबार वगैरह बढ़ाया, फिर दो तीन बच्चे भी मैंने रखे, उनको भी सिखाया ठीक है। आज करते करते मुझे माशाल्लाह 11 साल हो गई हैं ठीक है। तो अभी मेरी माशाल्लाह अपनी खुद की ज़ाती शॉप है, कारोबार अपना है, गाड़ियाँ वगैरह मैंने अपनी मेहनत से खुद से ली हुई हैं, एक हाई एक्स एक सुजुकी है, क्या वो चल पाता है। वाह माशाल्लाह, मतलब ये वो कहानियाँ हैं जो हमें मोटिवेट करती है सही मानों में। 11 साल का सफ़र एक बड़ा लंबा सफ़र होता है, जाहिर सी बात है रास्ता आसान नहीं होगा, मुश्किल होगा। आपको हिम्मत किससे मिली? हिम्मत मुझे अपने आप से और फैमिली से। माशाल्लाह फैमिली एक्चुअली बड़ा सपोर्ट करने वाले, अगर घर में हो तो आप चाहे। मैंने देखा आप फैजान के साथ काफी देर से बैठी हुई हैं और आप उनको छोड़ ही नहीं रहे, पहले आप बता दें फिर मैं। ये जब इन हुए तो मुझे इतना अमेजिंग लगेगा कि बड़ा एक एक्टिव इनके अंदर एक पॉजिटिविटी दिखी और वे ऑफ टॉकिंग इतना कॉन्फिडेंटली था जो कि मुझे लगा कि बात करनी चाहिए इनसे। एंड जब मैंने डिस्कस किया कि यार आप कितनी, मतलब आप हमारे लिए एक मोटिवेशन हो, आप हमारे लिए एक इंस्पिरेशन हो, एग्जैक्टली तो मतलब लाइक मुझे तो बहुत अच्छा लगा। मैं रुक गई, मैंने कहा अपना नंबर तो तुम करते क्या हो? एंड इन्होंने बताया कि मेरी ये एक्टिविटीज़ हैं एंड आई डू लॉट्स ऑफ थिंग्स और आई एम सीरियसली, मैं इनसे बिल्कुल आपसे मैं लूँगी भी इंटरव्यू और अपने घर में भी सबको दिखाऊंगी, जो लेज़ी आजकल की गर्ल्स बहुत लेज़ी हैं उनके लिए कि देखो मीट हिम कि ये क्या चीज़ है। यस अमेजिंग। कभी ऐसा होता है कि बहुत ज़्यादा लोग भी हमें मिलते हैं वो हमें इंस्पायर नहीं कर पाते, बहुत मासेस भी में भी काम हो रहा होता है वो हमें इंस्पायर नहीं कर पाता, और बाज़ अवकात किसी की एक बात, किसी का एक एक्शन बहुत इंस्पायर कर जाता है। आप यहाँ बैठी हुई हैं, यकीनन आप इनसे बड़ी इंस्पायर हुई हैं। आपने इनमें क्या ऐसा देखा कि आप वाकई में? ये कि मैंने इनको शाजिया के साथ, मेरा नाम भी शाजिया आलम है, तो मैंने अपनी दोस्त के साथ इनको जो गुफ्तगू देखी ना, अरे भाई तुम यहाँ आई भी हो, तो मैंने फौरी कहा, मैंने कहा तुम दूर नहीं हो, तुम भी हमारे बराबर में हो, पिक्चर खिंचवाओ। और बड़े उससे फिर उन्होंने हमारे साथ फ़ोटो बनवाया और फिर मैं खुद एक इन 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 सब लोगों में बहुत घुली मिली रहती हूँ कि मेरे ज़्यादातर जो मिलने वाले इसी किस्म के हैं, तो वो उनकी जो मोटिवेशन होती है मुझे भी वो करती है और मैं उनको देख के और बढ़ती हूँ। आज मुझे फैजान से जो हासिल हुआ है कि मैं कभी कभी जो खुद हिम्मत हार रही होती हूँ ना, थक जाती हूँ, तो आज फैजान ने मुझे और ये मुझे मोटिवेट किया है ताकि थकना नहीं है, काम जो करता है अपनी मेहनत से करता है और हासिल करता है। अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मेहरीन मोटन है और मैं प्रोफेशनली एक शेफ़ हूँ। और यहाँ पर जो है आज हम लोग एक डिसेबल डे मना रहे हैं, जो कि डिसेबल वुमेन को एम्पावर करने के लिए हम लोग ये डे मना रहे हैं। और यहाँ पर हम APHA में हैं
और यहाँ पर हमारा मकसद यही है कि हम लोग जो हैं डिसेबल औरतों को इंपावर करें, उनके साथ उनकी उनको हम मोटिवेट करें। उनके साथ हमने यहाँ पर एक रंगारंग महफिल सजाई है और हमने स्टॉल्स दिए हैं उनको, इनके साथ हमने नॉर्मल लोगों को भी स्टॉल दिए हैं ताकि वो लोग जो डिसेबल हैं वो लोग थोड़ा सा मोटिवेट हों। और इसके अलावा जो है ये हमारी एक दोस्त है इरम साइम, जो सकने शिज़ा एक डिसेबल वुमेन का एक इदारा बनाना चाह रही हैं, तो हम उनके साथ हैं। वो फाउंडर हैं सकने शिज़ा की और मैं ज्वाइंट सेक्रेटरी हूँ। आज हम APHM हैं, इरम 20 साल से APHM में डिसेबल लोगों के लिए काम कर रही है। बस हमारा मकसद यही है कि हम जो हैं हमें जहाँ पर भी मौका मिलता है हम लोगों को इम्पावर करते हैं, उनके लिए काम करते हैं। और हम लोगों ने कोई भी अपनी एक वो साइड लाइन नहीं रखी हुई, या कोई भी हम लोगों ने बस हमें जो भी जिस तरह से भी हम लोगों को मोटिवेट या उनके लिए कुछ कर सकते हैं हम लोग वो काम करते हैं। अच्छा, आपका सफ़र बड़ा दिलचस्प है। आपने शुरू किया और बैक टू बैक आप मुख्तलिफ तंजीमों के साथ मिलकर काम भी कर रहे हैं, और जो हमें नज़र आता है कि आप कोशिश करते हैं कि जहाँ जहाँ बच्चियाँ हैं, ख़वातीन हैं और स्पेशली एबल्ड पर्सन हैं, उन्हें एम्पावर कर सकें। आपकी खुद की आपकी ज़ाती जर्नी कैसे रही है? मेरी ज़ाती जर्नी स्टार्ट ऐसे हुई कि मैं जो हूँ कुकिंग का मुझे बचपन से बहुत शौक़ था। फिर जब मेरी शादी बर्मा, मेरे इन-लॉज बर्मा में है, मैं शादी करके बर्मा गई, तो मुझे वहाँ पर जो है बर्मीज़, मेरी स्पेशलिटीज़ बर्मीज़ फ़ूड हैं, तो वहाँ जो है मैंने अपनी सास से बर्मीज़ रेसिपीज सीखी हैं, ऐसे देख कर नहीं बनाई हैं। फिर जब मैं वापस पाकिस्तान शिफ्ट हुई तो मुझे बहुत लोगों ने कहा, एक मेरी आंटी हैं उन्होंने मुझे बहुत मोटिवेट किया कि तुम इतना अच्छा काम करती हो तो तुम इसको अपना प्रोफेशन क्यों नहीं बनाती। तो मैंने उनकी बात को सुनते हुए पहले सबसे पहले अपना एक छोटा सा सॉस जो मैं मेरा बहुत मशहूर है उसको मैंने डिस्प्ले किया, और उसमें मेरी फ्रेंड्स ने, मेरी फैमिली वालों ने मेरा बहुत साथ दिया। उन लोगों ने मुझसे परचेज़ करना शुरू किया और लोगों को बताया कि मैं ये काम कर रही हूँ। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरी ये काम मेरा आगे बढ़ता गया। फिर वो माशाल्लाह माशाल्लाह से वो इतना अच्छा आगे बढ़ गया कि लोग मुझसे पूछने लगे। तो मेरा एक ही मोटिव यही है कि जब आप किसी के लिए अच्छे रास्ते बनाते हो तो आपके लिए अल्लाह पाक खुद आसानियां पैदा करता है। मेरे पास एक दिन एक बच्ची ने फ़ोन किया कि मैम मुझे लॉकडाउन है, मेरे हस्बैंड की जॉब नहीं है, तो मुझे कुछ काम करना है मगर मेरे पास पैसे नहीं है, मैं क्या करूं? तो मैंने कहा कि आप मेरे घर आओ, मैं आपको फ़ोन पे नहीं समझाऊंगी। वो आई मेरे पास, दो घंटे मेरे पास बैठी। उसको मैंने बोला क्या कर सकती हो, तो कहती है मेरे पास पैसे नहीं है। मैंने कहा घर में तुम्हारे आटा है, तुम आटा लो, पराठे बनाओ, रोटियां बनाओ फ्रोज़न और इसको सेल करो। मैंने उसको दो तीन चीज़ें और बताई। तो वो जब जाने लगी तो मुझसे कहती है कि मैम मैं आपको क्या फ़ीस दूँ? तो मैंने बोला कि किस चीज़ की फ़ीस? तो बोला जो आपने मुझे सिखाया है लोग उसकी फ़ीस देते हैं। तो मैंने कहा तुम मेरे लिए दुआ करना, अल्लाह पाक मेरे रिस्क में बरकत दे और तुम्हारे रिस्क में भी दे, और जो बातें तुमने मुझसे सीखी हैं अपने और 4-10 लोगों को सिखा देना। तो बस ये सदका ही जारिया होगा सारी ज़िंदगी के लिए। तो आप यकीन करो मैं इस चीज़ पे अमल करती हूँ, तो मैंने अपनी ज़िंदगी में चेंजेस देखे हैं और बहुत बड़े बड़े चेंजेस देखे हैं। तो मेरा सबसे यही है कि आप मोटिवेट करें लोगों को, और जितना काम आ सकते हैं आप काम आए, आप देखें आपके पीछे से रास्ते खुद आसान होते जाएंगे। जो मुझे ज्वाइन किए बहुत ही स्पेशल पर्सन है भाई, और उनकी कहानी भी बड़ी स्पेशल है। ये होता है कि जब हम इम्पावर होने की बात करते हैं तो किस तरीके से होते हैं, सबसे पहले आ जाता है कॉन्फिडेंस, और इनके कॉन्फिडेंस ने मुझे हिला के रख दिया। तो पहले उनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, ठीक है अल्लाह का शुक्र है। मुझसे तो आपकी बात हो गई, जरा लोगों को भी बता दें आपका नाम क्या है और अभी आप क्या कर रही हैं। मेरा नाम शाजिया वारिस है और मैं है ना इस एसोसिएशन में APHA सेंटर में पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी की हैसियत से अपनी खिदमत अंजाम दे रही हूँ। आपको क्या लगता है खुद से एम्पावर होने के लिए क्या करना चाहिए सबसे पहले? देखिए, खुद से एम्पावर होने के लिए सबसे पहले जो आप बीइंग अ लेडी अगर आपके हैं मैं बात करूँ तो सबसे पहले तो आपकी घर की सपोर्ट होनी चाहिए, ठीक है ना। और दूसरा आपके अंदर कॉन्फिडेंस लेवल होना चाहिए कि आपको ये शोर होना चाहिए कि आप कुछ करना चाहते हैं। और आप कभी भी देखें मसाइल हर जगह होते हैं और मुश्किलात भी आती हैं और लोग भी ऐसे होते हैं जो आपको डिसहार्टेड करते हैं, लेकिन आपको अपने गोल को सामने रखना चाहिए कि मेरा गोल क्या है और मैं क्या चाहती हूँ। अगर आप अपना आप कॉन्फिडेंट है ना तो फिर कोई चीज़ भी आपको नहीं हरा सकती।
थाने चल रहे हैं, एम्पावरमेंट की बातें हो रही हैं, लोगों से मुलाकात भी हो रही है, इतने में मुझे एक फिजियोथेरेपिस्ट ने ज्वाइन किया। इनका कॉन्फिडेंस लेवल बड़ा हाई है लेकिन ये बड़ी शाय किस्म की है। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? मुझे ज़रा बताएं पहले आपका नाम क्या है? मेरा नाम मुश्ता खान है। मुश्ता, फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर कंसीडर होते हैं या नहीं? अच्छा, 2 साल से जाहिर सी बात है आप स्पेशली एबल्ड पर्सन के साथ कनेक्टेड हैं, आपने उन्हें बड़े करीब से देखा है, उनकी ज़िंदगी कितनी मुख्तलिफ है? हाँ, क्योंकि मेरी अपनी लाइफ में कभी इन लोगों के साथ इतना एक्सपीरियंस नहीं रहा था, तो मैं जब यहाँ पर आई तो मुझे पता लगा कि यार ये लोग बहुत अच्छी लाइफ गुजारते हैं, ये लोग हर वक्त रोते नहीं हैं, और मतलब इनके बारे में जो मेरा इमेज बना हुआ था यहाँ आने के बाद वो बिल्कुल चेंज हो गया। डिसअपॉइंटमेंट यहाँ होती है कि हम जिस तरह रोड पे जाते हैं या किसी रेस्टोरेंट, जिस तरह मैंने आपको बताया, वहाँ पर इन लोगों के लिए कोई इतनी खास नहीं सहूलत दी जाती। शॉपिंग मॉल्स हो गए, वहाँ पर नहीं होती है। बाद जगह मैं भी अपनी फ्रेंड के साथ जाती हूँ तो ये बेचारी मुझे कहती है कि मेरे लिए ये चीज़ लाना या वो लाना, क्योंकि ये खुद नहीं मूव कर सकते। फैमिली वाले इन लोगों को बोझ समझते हैं कि यार हम जाएंगे तो गाड़ी में व्हील चेयर रखेंगे या गाड़ी में हम बैठेंगे, तो यार ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। राइट, तो वक्त आ गया कि हम इंडिविजुअल से लेके मासेस तक चेंज की सिर्फ बात ना करें, चेंज के लिए काम करें। और चेंज के लिए काम कहाँ से शुरू हो सकता है? घर से। हम इन्हें पढ़ाएं, हम इन्हें अपनी गाड़ियों में जगह दें, जाहिर सी बात है वो घर के मेंबर हैं तो उन्हें पैम्पर्ड करना ज़रूरी भी है, लेकिन उन्हें कॉन्फिडेंस ज़्यादा दें ताकि वो बाहर निकल के सोसाइटी का सामना खुद से कर सके, क्योंकि जब तक वो खुद सामना नहीं करेंगे वो अपना मकाम हासिल नहीं करेंगे। ऐसे ही, थैंक यू वेरी मच। सबसे आखिर में जाहिर सी बात है जो सबसे बेहतर काम कर रहा है और जिनकी वजह से सारा कुछ हो रहा है, इरम ने मुझे ज्वाइन किया। अस्सलाम वालेकुम इरम, कैसी हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्लाह का शुक्र, बस ठीक ठाक। मुझे बताएं ये इनिशिएटिव सबसे पहले इसके बारे में आप बताएं। इनिशिएटिव ये है कि आप आज जिस इदारे में मौजूद हैं एफ़ा में, इनके साथ मैं पिछले 20 साल से एसोसिएट हूँ और मैं इनकी डायरेक्टर वुमेन हूँ, और यहीं से मैंने एक और अपने कदम का आगाज़ किया है सकन शज़ा के नाम से, जहाँ मैं डिसेबल्स जो हमारी डिफरेंटली एबल ख़वातीन हैं उन्हें एम्पावर करना, उन्हें एक खूबसूरत रहाइश, एक घर देना जो कि उनकी आरजू है, उनकी ख्वाहिश है, तो ये एक छोटी सी हमारी काविश है कि इनको हम पूरा कर सकें। बेशक बेहतरीन काम है, ये बैक टू बैक इनिशिएटिव्स हो रहे हैं एम्पावरमेंट को लेके। ज़ाहिर सी बात है घर मिल जाना, ये हर शख्स चाहे वो डिसेबल हो, स्पेशली एबल्ड हो या नॉर्मल पर्सन हो, सब चाहते हैं कि उनका अपना घर हो जाए, जिसके लिए आप काम कर रहे हैं। आज मैंने देखा लोग आपको सुपरमैन के नाम से मुखातिब कर रहे थे बहुत ज़्यादा, ये कितना प्राउड फील होता है इससे और ये क्या समझते हैं कितनी बड़ी अचीवमेंट है ये? ये अल्लाह पाक ने एक बहुत बड़ी मुझे इज्जत से नवाजा हुआ है। एक्चुअली सारी जितना मेरा सर्कल है, फ्रेंड्स है, जो लोग मुझे जानते हैं, तो वो सबसे ज़्यादा सरप्राइज ये होते हैं कि इस व्हीलचेयर पे बैठ के मैं पूरे मैनेजमेंट को, चीज़ों को हर निगाह से, हर तरफ से देख रही होती हूँ, और आप भी देख ही रहते, तो इस वजह से इनको बड़ा अच्छा लगता है सुपर वुमेन। और अभी जो हमारा लास्ट वुमेंस डे गुजरा है, इस पर मेरी एक दोस्त ने मुझे सुपर वुमेन के अवार्ड भी दिया कि तुम हमारी सुपर वुमेन हो, और बस ये अल्लाह की तरफ से एक ब्लेस है और उस रब की करम नवाजी है कि उन्होंने अल्लाह पाक ने मुझे इज्जत दी है। मैं बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा आपका, सिर्फ मुझे आखिर के 2 सवाल करने हैं। एक तो ये बताइएगा कि लोग आपका हिस्सा कैसे बन सकते हैं? ज़ाहिर सी बात है एक अच्छा इनिशिएटिव हो तो वो अकेले आप लंबे अरसे तक लेके नहीं चल पाते, लोग मिलते हैं, कारवां बनता है और फिर वही सफ़र जारी रहता है, तो लोग आपका हिस्सा कैसे बन सकते हैं? सेकंडली, आप बहुत सारे लोगों को मोटिवेट कर रहे हैं लेकिन आपकी मोटिवेशन क्या है? मेरी मोटिवेशन अगर आप कहें तो सबसे पहले मेरे वालिद साहब मरहूम, जो अब इस दुनिया में नहीं है, उन्होंने मुझे ज़िंदगी में एक सबक दिया कि मैंने इंडिपेंडेंट होना है और अपने बलबूते पे अपनी ज़िंदगी गुजारना है, ये मेरी सबसे बड़ी मोटिवेशन। और उसके बाद मेरे हस्बैंड, देखें औरत चाहे डिसेबल हो या नॉर्मल हो, सपोर्ट सबसे पहले घर से स्ट्रॉन्ग हो तो वही उसके लिए सबसे ज़्यादा खुशाइन बात होती है। और मेरे अंदर आप एक समझ लें कि एक अल्लाह ने एक ऐसा जज्बा दिया है कि एक खुदा की तरफ से भी मुझे विल पावर है कि मुझे खुद ब खुद इन सब लोगों को देख के, इनके लिए कुछ करके
जो एक अज़म और एक जुनून मेरे अंदर आता है, तो बस वही सब मुझे चीज़ें मोटिवेट कर देती है। लोग आपका हिस्सा कैसे बन सकते हैं जो इस कार्य खैर में आपका साथ जो आना चाहता है? दरवाज़ा ओपन है, मोस्ट वेलकम। आई बिलीव ऑन टीम वर्क और एक अच्छी टीम का साथ होना। देखें ये पिछले 8 दिन का मेरा इवेंट है, लोग महीनों पहले इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज करने की कोशिश करते हैं और मेरी टीम एफर्ट मेरे साथ कि हमने ये 8 दिन के अंदर पूरा प्रोग्राम जो है इसको हमने ऑर्गेनाइज कर लिया और हर काम में मैं समझती हूँ एक बहुत ही खूबसूरत और एक पुरजोश टीम का साथ होना ये बहुत ज़रूरी है और मुझे तो बहुत खुशी होगी। आई वेलकम टू ऑल कि मुझे जो भी ज्वाइन करना चाहते हैं वो ज़रूर आएँ और मेरी टीम का हिस्सा बने। मैंने भी आज इस इवेंट में यही सीखा है कि जब हम किसी हेल्दी एक्टिविटी का हिस्सा बनते हैं और हम लोगों को एम्पावरमेंट करने के लिए कुछ हिस्सा बनते हैं तो हम कुछ ना कुछ पॉजिटिव चेंज लेकर आते हैं सोसाइटी में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और जहां जैसे आप सोसाइटी में बेहतरी के लिए काम कर सकते हैं आपको करना चाहिए।